नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। यह शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको परीक्षा में एक या दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। और आज हम जो इस टॉपिक को ना बहुत ही डिटेल से और अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ताकि इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में ना छूटे। और हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, आपको सारी वीडियो वहाँ मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। अमेरिका के मनोविज्ञान विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया था। यह पूछ लिया जाता है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो वो कौन है? विलियम मैकडूगल। अब देखिए, इनका जन्म था 22 जून सन 1871 को इंग्लैंड में हुआ था और इनका निधन हुआ था 28 नवंबर 1938 को अमेरिका में। यानी कि इंग्लैंड में जन्म हुआ था और अमेरिका में इनका निधन हुआ था। इनके द्वारा दिया गया मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत 1908 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कुछ जन्मजात शक्ति या फिर मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो व्यवहार को प्रभावित या संचालित करती हैं। मैकडूगल जी का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में जो क्या है, कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसके व्यवहार को प्रभावित और संचालित करती हैं। अब देखिए, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, ये इन्होंने बताया। तो यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ हुई तो 14 ही क्या हुए? संवेग हुए। सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों का जो क्या है, विस्तार से वर्णन किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितनी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, 14। तो और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है तो 14 ही हो गए संवेग। इनकी पुस्तक जो कौन सी है, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये उनकी पुस्तक है जिसमें मूल प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब देखिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन पहलू होते हैं। देखिए, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियों के कितने पहलू होते हैं, तो होते हैं तीन। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है संवेगात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक में क्या होता है, देखिए, हमें किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होता है, हमें ज्ञान होता है उसका कि इसके, जैसे मान लीजिए किसी आपको स्थिति का ज्ञान है, आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में आपको ज्ञान होता है कि हाँ, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, यहाँ शेर भी मिल सकता है, जो हमें मिल गया तो हमें मार देगा, तो इसका ज्ञान है आपको। फिर उसी ज्ञान के कारण एक संवेग उत्पन्न होता है, यानी कि जंगल में वो शेर आपके सामने आ जाए या फिर आपको डर लगता है, डर की वजह से कौन सा संवेग उत्पन्न हो गया आपके पास, डर संवेग उत्पन्न हो गया संवेगात्मक। और फिर क्रिया, उसी डर के कारण एक क्रिया होगी कि आप वहाँ से भाग जाएंगे। तो देखिए, हमें ज्ञान था कि जंगल में जाएंगे तो शेर मिलेगा, जंगली जानवर मिलेंगे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके कारण एक संवेग उत्पन्न होता है डर का, और उसी डर के साथ हम क्रिया करते हैं यानी कि भागने की, और हम वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये तीन पहलू होते हैं मूल प्रवृत्तियों के। अब बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं की। देखिए, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएँ हैं, इनसे सीधा सीधा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं, इन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता, ये जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का प्रयोजन होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में ही पाई जाती हैं, बल्कि पशु पक्षी सभी में जो मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े होते हैं, जैसा कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं तो उनके साथ 14 ही संवेग जुड़े हुए हैं। अब मूल प्रवृत्तियों तथा आदत में भिन्नता पाई जाती है, आदत और मूल प्रवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अब मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है, अब मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है। हमें जब ज्ञान होगा स्थिति वस्तु स्थायित्व का, तो हम वो काम पहले से नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे जो मूल प्रवृत्ति, उससे मन प्राणी जो क्या लाभ उठाता है। अब देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं, इनमें संशोधन होता है। मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उनमें संशोधन होता है। अब देखिए, मूल प्रवृत्तियों के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण अब देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों के जो मैकडूगल ने वर्गीकरण किया उसको देखते हैं। पहला दिया मूल प्रवृत्ति, दूसरा उससे संबंधित संवेग है भय। अब देखिए, पलायन, भागना, इसका जो संवेग होगा भय, युद्ध या फिर युद्ध प्रियता, इसका जो संवेग है क्रोध,
शिशुरक्षा, शिशुरक्षा का वात्सल्य, संवेदना या सरणागति का जो संवेग है वो कष्ट है, काम या सेक्स का संयोग जो है कामुकता है, जिज्ञासा कौतूहल का संवेग जो आश्चर्य है, आत्महीनता, आत्महीनता का जो संवेग है अधीनता की भावना, आत्मदर्शन का संवेग है श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता का संवेग है एकाकीपन, भोजनान्वेषण का संवेग है भूख से, और जो संचय संग्रहित संग्रह संचय या संग्रहण अधिकार की भावना, रचना रचना का आनंद, हास हास का जो संवेग है आमोद, और निवृत्ति या फिर अप्रियता का संवेग है घृणा। तो ये था हमारा टॉपिक मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जिसको हमने बड़े ही अच्छे से समझा।